आज आपको दो वर्ड के बारे में बताएंगे, जिसमें से एक वर्ड जो पहला वर्ड है उसका ऑलमोस्ट सभी लोग जो है उसका मिस प्रोनाउंसिएशन करते हैं, गलत बोलते हैं उस वर्ड को, उस वर्ड को गलत मिस प्रोनाउंस करते हैं। जिस जो वर्ड हमारा है लिखा हुआ है HUSBAND, HUSBAND। सभी लोग क्या बोलते हैं, मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, हसबैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हसबैंड बोलते हैं, हसबैंड। तो जबकि हसबैंड वर्ड जो है, ये हसबैंड वर्ड सही नहीं है। हसबैंड वर्ड क्या है, ये गलत है, ये गलत का इसका प्रोनाउंसिएशन बोला कहा जाता है। ये इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या है, कंप्लीटली रॉन्ग है। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है हसबेन होता है। क्या होता है? हसबेन। अब क्योंकि सबकी आदत पड़ चुकी है हस्बैंड 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 बोलने की, उनके हस्बैंड है, इनके हस्बैंड है, तो हैबिट हो गई है। अब इस हैबिट को कैसे हम सही करें, आसानी से कैसे इसको याद करें, तो आप ये समझ लें कि हस्बैंड का मतलब आप ये समझ लें, यहाँ पर ऐसा व्यक्ति, समझिएगा एक तरह ऐसे, ऐसा व्यक्ति जिसके, ऐसा व्यक्ति जिसके हंसने पर बैन लगा हो, हंसने पर बैन लगा हो, बराबर क्या कहलाएगा वो, हसबैन कहलाएगा। अब तो याद हो जाएगा, याद करने में दिक्कत नहीं रहेगी। हमने बोला हसबैंड नहीं वर्ड होता, हसबैंड हसबैंड लोग बोलते हैं, सभी बोलते हैं ऑलमोस्ट जो है, तो हसबैंड नहीं होता, क्या होता है, हसबेन होता है। इसको हमने क्योंकि सबकी आदत पड़ चुकी, हैबिट हो चुकी है हसबैंड बोलने की, तो कैसे हम आसानी से कैसे याद करें, इसे जो है अपनी आदत कैसे सही करें, तो हमको ये समझ जाएंगे ऐसा व्यक्ति जिसके हंसने पर पूरी तरीके से बैन लगा जाएगा। तो वहाँ पर दो, एक हंसना, हंस का मतलब हंसना, बैन का मतलब रोक लगी, इसका मतलब उसे हम क्या बोलेंगे, हसबैन बोलेंगे जो है। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड और भी है जो लिखा हो वाइफ। अगर मान लीजिए किसी एक पत्नी की बात हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, वाइफ बोलेंगे। अगर किसी एक व्यक्ति की एक पत्नी है तो क्या बोलेंगे, वाइफ बोलेंगे। और मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दो पत्नियां हैं, किसी तीन व्यक्ति, सभी लोग की पत्नी, एक से अधिक जब पत्नियों की बात होगी तो हम ये वाला, जब भी एक से अधिक पत्नियों की बात होगी तो हम वाइफ में एस नहीं लगाएंगे, ये वर्ड हमारा क्या है, गलत है। तो वाइफ का जब एक से अधिक पत्नियों की बात होगी तो हम वाइफ में एफ को हटा देंगे, एफ ई को हटा के हम उसी की जहां पर क्या लगा देते हैं, वी ई एस लगा देते हैं। तो इसका जो सही वर्ड है वाइफ्स का, वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आई वी ई एस, ये वर्ड हमारा क्या है, सही है वर्ड जो है। तो ऐसे ही आपको जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं वो आपको बता, जो जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के हैं, स्पेलिंग के एग्जाम में भी आते हैं, कभी कभी आते हैं, तो उसको हम आपको डिलीवर किया करेंगे।